उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ कि क्या विभाग में रहते हुए भी ऐसी नीचता और ऐसी हरकतें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला आया है, बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो किसी कारणवश नहीं बना पा रहा था, उसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। तो ये घटना है उन्नाव की, उन्नाव की घटना है एक पुलिस थाने की, जिस थाने की घटना है उसी थाने में एक डीएसपी साहब हुआ करते थे। तो उन डीएसपी साहब का नाम है कृपा शंकर कनौजिया। बात ये उन दिनों की है जब कृपा शंकर कनौजिया एक दिन बिना बताए, अपने परिवार को बिना बताए, किसी कारणवश अपने सीनियर ऑफिसर से छुट्टी की मांग करते हैं। तो सीनियर ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आपको किस लिए छुट्टी चाहिए, तो वो अपना कारण बताते हैं कि हमारी बेटी की शादी है और शादी की तैयारियां करनी हैं। तो एसपी साहब को लगा कि छुट्टी तो उचित मांग रहे हैं, इनको मिलनी चाहिए, तो उनको छुट्टी जो है दे दी गई। वो अपना थाने आए, जो कुछ लिखा पड़ी थी कि अपने सीनियर ऑफिसर के जो आर्डर थे उनको फॉलो किया, वहाँ से निकल पड़े। ये 12 बजे की घटना है, वहाँ से निकल पड़े, ये छुट्टी इनको मिल गई। तो वहाँ जो हायर ऑफिसर थे एसपी साहब के यहाँ, इन्होंने बोला कि मुझे लड़की की शादी की तैयारियाँ करनी है, तो उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। ये सुनकर एसपी साहब ने छुट्टी दे दी। तो जब छुट्टी उनको मिल गई तो वहाँ से वो चले जाते हैं। कहाँ चले गए किसी को पता नहीं, लेकिन इतने में ही उनकी बीबी फ़ोन करती हैं 2-4 घंटे के बाद। जब फ़ोन करती हैं तो उनको जानकारी मिलती है कि अपने हायर ऑफिसर के पास फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, बेटी की शादी है, तैयारियां करनी हैं, और उन्होंने बोला था कि छुट्टी मिल गई है, फिर भी नहीं पहुंचे घर। अब सबको दिक्कत होने लगी, ये जितना डिपार्टमेंट के लोग थे उनको भी सिरदर्द हो गया कि यार छुट्टी ये लेकर गए हैं तो गए कहाँ हैं, 4-5 घंटे हो गए और इतनी दूरी का रास्ता भी नहीं था। क्योंकि अधिकारी का मामला था तो एसपी साहब को लगा कि कहीं भाई कहीं ना कहीं इनके दुश्मन तो होते ही हैं यार, किसी को अरेस्ट करना या किसी को, तो ऐसा चलता रहता है। तो इनको एक दिन ऐसा हुआ, जब उनकी बीबी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना है, तो उस घटना का जिक्र किया कि छुट्टी तो बोल रहे थे मिल गई है, यहाँ से निकलना हो, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचे। तो एसपी साहब ने क्या किया, उनका नंबर जो उनके हस्बैंड थे कृपा शंकर कनौजिया, जो वहाँ डीएसपी थे, उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी थे और थाने में भी किसी को नहीं बताया, वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब इनका नंबर सर्विलांस पे लगाया जाता है तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं वहाँ से। अब आप लोग देखिए, क्या जिस डिपार्टमेंट को सुरक्षा करने का दायित्व मिला हो पब्लिक की, वो ऐसा काम कर सकता है? आप लोगों से जवाब चाहूँगा, क्या उसको करना ये सब उचित रहता है? जब उनका नंबर सर्विलांस पे डाला गया, एसपी साहब को लगा, क्योंकि हायर ऑफिसर वो भी डीएसपी थे, डीएसपी रेंज के अधिकारी थे, तो उनकी जानकारी तो ज़रूरी थी।
फिर उधर उनकी वाइफ बहुत परेशान हो रही थी कि सर कैसे भी आप उनको ढूंढिए। तो उनको बताया गया कि जो है हम अपनी कार्रवाई डिपार्टमेंटल जो होती है कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। उनका नंबर सर्विलांस पे लगाया गया तो एक नंबर, यही उन्नाव से कुछ दूरी पे एक होटल था, वहाँ सो कर रहा था उस होटल का। तो वहाँ कुछ कांस्टेबल और दरोगा जी को भेजा गया, तो वहाँ डिटेल जब निकलवाई गई, वहाँ होटल के जो रिसेप्शन पर जो बैठा था युवक, उससे पूछताछ होने लगी। तो जो दरोगा साहब गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कृपा शंकर कनौजिया के नाम से कोई रूम बुक है। तो उनको पता चला कि हाँ है सर। अब उधर वो एक महिला कांस्टेबल के साथ, जो उनके हलके में ही थाना था, उनके क्षेत्र में ही थाना था, उस क्षेत्र की एक महिला कांस्टेबल थी जो ठीक ठाक दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, तो उनके साथ वो कुछ भी अपना कर रहे हो, लेकिन होटल के रूम में थे। जब डिपार्टमेंटल जानकारी अपने हायर ऑफिसर को देते हैं दरोगा जी, एसपी साहब को बताते हैं, तो जो उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि शुरुआत में तो लगता है कि यार डिपार्टमेंट की ही बात है, इधर उधर वायरल होगा तो डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी, लेकिन यह भी तो शर्मनाक घटना है कि जिस अधिकारी को उस क्षेत्र की पब्लिक को सुरक्षित करने के लिए तैनात किया गया हो, और खुद डिपार्टमेंट जो महिला कांस्टेबल हो उसके साथ कोई ऐसा कर सकता है, बड़े दुख की बात है यार। लेकिन जब एसपी साहब को पता चला तो उन्होंने एक कार्रवाई की उनके खिलाफ, उनकी पत्नी थी उनको बताया गया, सारी जानकारी दी गई कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। ये बात थोड़े दिन में जो है इतना वायरल हो गई कि हमारे माननीय सीएम साहब को इस बात का जिक्र उनको सुनने में आया। जब उनको जिक्र हुआ इस बात का, तो उन्होंने अपने जो आला अधिकारी थे उनको संज्ञान में लेते हुए कहा कि ये तो डिपार्टमेंट की जो है बेइज्जती वाली बात है, इसको कार्रवाई करने के साथ ही इसको जो है मामले को दबाना चाहिए। तब फिर जो एसपी साहब थे, उन्होंने उन जो डीएसपी साहब ने जो ऐसा काम किया था उनके खिलाफ, जो भी उनकी कार्रवाई उचित थी उन्होंने की। फिर माननीय योगी जी ने पेपरों में कुछ पढ़ने को मिला था कि उनको जो है सस्पेंड करके एक कांस्टेबल बना दिया गया। अब कांस्टेबल बना दिया गया तो ये तो और उसी थाने में तैनात किया गया जिस थाने के वो डीएसपी थे, तो ये और भी अपने आप में एक शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन ये भी तो देखो, उधर जिस क्षेत्र का तुमको सुरक्षा का चार्ज दिया गया हो, और क्षेत्र की बात छोड़ो, जिस थाने के आप अधिकारी हैं, जिस रेंज के अधिकारी हैं, उसी थाने की एक महिला कांस्टेबल के साथ आप ऐसा काम करेंगे, ये तो शर्मनाक है। उसकी सज़ा उनको मिलनी थी और मिली भी। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता रहा कि उनके साथ, क्योंकि जब किसी आला अधिकारी को आप डिमोशन होता है तो शायद दिमाग में, अभी अचानक आप एक हायर ऑफिसर हों, आपको डिमोट कर दिया गया हो, डिमोशन दे दिया गया हो, और आपको उसी थाने जिस रेंज के अधिकारी थे, आपको उसी हलके में एक कांस्टेबल बना दिया गया हो, तो ये शर्म की बात है। और ये अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार यहाँ हम अधिकारी के रूप में तैनात थे, आज यहाँ कांस्टेबल हैं। तो उनकी ये सब
कहीं गलत काम ना कर लें वो डीएसपी साहब, तो इसलिए उनके साथ दो कांस्टेबल रखे गए, हर समय उनके आगे पीछे तैनात रहते थे क्या करते हैं, क्योंकि एसपी साहब को लगता था कि ऐसा ना हो कहीं हम अपने जो उच्च अधिकारी हैं इनको खो दिया जाए या अपनी शर्मिंदगी के कारण ये कोई गलत कदम उठा लें। तो फिर मामला धीरे धीरे सब सुलट गया और फिर से चीज़ें सही हो गईं। ये एक आप लोगों को एक सीख मिली है कि आपको कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और ये माननीय हमारे जो सीएम साहब थे इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप पद की गरिमा और उसका दुरुपयोग करेंगे पावर का तो आपको सज़ा मिलेगी। साथ में उनके घर से भी संबंध ख़राब हुए आपस में फैमिली के, और उनकी बेइज्जती हुई अलग। तो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, सिर्फ आप लोगों को जानकारी दी है, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मिलता हूं फिर अगले वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। मैं सौरभ वर्मा, ब्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है, और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।